हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीके गुप्ता होम्योपैथ। आज बात करूंगा डॉग बाइट के बारे में। दोस्तों देखिए, कुत्ता काटने में बड़ी परेशानी हो जाती है। एक तो यही डर सताता है कि उसके इंजेक्शन लगते हैं, कुत्ता कहीं पागल ना हो, और दूसरा देसी कुत्ता भी काटे तो कुत्ता काट के भाग जाता है, उसको कौन वाच करे। डॉक्टर कहते हैं कि उसको वाच करना चाहिए 10 दिन तक। अब कुत्ते को ऐसे पकड़ नहीं सकते, पागल कुत्ता है तो और भी खतरनाक स्थिति रहती है, वो दोबारा तिबारा न काट ले। तो दोस्तों इसके लिए एक बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है, जहाँ कुत्ते ने काटा है उस जगह पर ये जो भुजा हुआ चूना के पैकेट आते हैं पनवाड़ियों के, यहाँ मिलते हैं छोटे छोटे पैकेट आते हैं, वो चूना उस जख्म पर लगाएं। और डॉक्टर बर्नेट ने ये इलाज दिया है कि यदि वह चूना लगाने के बाद थोड़ी देर बाद या लगभग 10 मिनट के बाद हरा रंग में परिवर्तित हो जाता है, तो इसका मतलब यही है कि पागल कुत्ते ने काटा है। और यदि हरा रंग परिवर्तित नहीं होता है, वो सफ़ेद ही रंग रहता है, तो इसका मतलब पागल कुत्ते ने नहीं काटा है। अब यदि पागल कुत्ते ने नहीं काटा है तो उसको एज ए सिंपल वुंड ट्रीट कर सकते हैं, और यदि पागल कुत्ते ने काटा है तो उसको हर 10-15 मिनट बाद बार बार लगाएंगे उसमें, ये हटा के सफाई करके, और जब तक ये हरा रंग होना बंद नहीं कर देता दोस्तों, तो उसको बार बार चेंज करेंगे। और जब ये हरा रंग होना बंद हो जाएगा तो इसका मतलब सारा जहर उसका बाहर निकल गया, और उसको एज ए सिंपल वुंड ठीक करेंगे। और होम्योपैथिक में एक दवाई आती है हाइड्रोफोबिनम, उसका नाम लाइसिन भी है, ये 200 पावर की कुछ दिन खाने से ये ठीक हो जाता है, और पागल कुत्ते के काटने के बाद हाइड्रोफोबिया होने का डर खत्म हो जाता है। दोस्तों इस प्रकार के हेल्थ टिप्स लेने के लिए हमारे वीडियो को लाइक एंड फॉलो कीजिए।